तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अश्वगंधा रिच सिरप पीने के फायदे के बारे में, और इसको कैसे पीना चाहिए और इसके क्या क्या सावधानियां हैं और किन किन बीमारियों में किन किन समस्याओं को दूर करने के लिए अश्वगंधा रिच का उपयोग किया जाता है, और इस अश्वगंधा रिच में कौन कौन से इन्ग्रीडियंट्स मिलाए गए हैं ये भी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आपको बता दें कि अश्वगंधा रिच ये सिरप बहुत ही बेहतर सिरप है और हम अपने कई पेशेंट को भी देते हैं। कई तरह की बीमारियों को दूर करने के लिए अश्वगंधा रिच सिरप का बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इस सिरप में कौन कौन से घटक मिलाए गए हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो है इसमें मिलाए गए हैं। तो सबसे पहले इस सिरप में मंजिष्ठा, मुलेठी, त्रिकट्टू, अश्वगंधा, हरड़, दारू हल्दी, बिदारी कंद, अर्जुन की छाल और हल्दी और भी कई तरह की आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियां हैं वो इस सिरप में मिलाई गई हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस सिरप को पीने से किन किन समस्याओं के लिए फ़ायदेमंद है, किन किन बीमारियों को दूर करता है। तो इस सिरप को पीने से हमें मुख्य लाभ जो है वो मिलता है नसों की कमजोरी को दूर करने के लिए। नसों की कमजोरी को दूर करने के लिए ये सिरप बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है और इसका मुख्य लाभ इसी में मिलता है, यानी कि नसों की कमजोरी को दूर करने के लिए इस सिरप का मुख्य लाभ मिलता है। लेकिन इसके और भी कई तरह के फायदे हैं, जैसे कि आपके शरीर में कमजोरी को दूर करता है, वीकनेस को दूर करता है, शारीरिक कमजोरी को दूर करने का काम ये सिरप करता है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। अब कई सारे लोगों के शरीर में थकान रहती है, शरीर थका थका सा रहता है, तो ऐसे कंडीशन में इस सिरप को लेने से ये आपके शरीर में थकान को दूर करेगा, वीकनेस को दूर करेगा, आपके बॉडी को एनर्जेटिक बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, आपके शरीर में नई ऊर्जा प्रदान करता है, आपके शरीर में सुस्ती को दूर करता है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिरप है। इसके बाद इस सिरप को पीने से मानसिक तनाव को दूर करता है, स्ट्रेस को दूर करता है, चिंता को दूर करता है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिरप है। मानसिक कमजोरी को दूर करने के लिए भी इस सिरप का बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। कई सारे लोगों के याददाश्त कमज़ोर होती हैं, तो याददाश्त को बढ़ाने के लिए भी आप अश्वगंधा रिच का उपयोग कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। अब ऐसे ही पेट से जुड़ी हुई बीमारियों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है अश्वगंधा रिच, जैसे कि कई सारे लोगों के पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी बन जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, इनडाइजेशन की समस्या रहती है, खाया हुआ खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, पच नहीं पाता है, खट्टी डकार आती है, तो ऐसे कंडीशन में आप अश्वगंधा रिच के साथ साथ आप कुमारी आसों को मिलाकर लेंगे, बहुत अद्भुत लाभ मिलेगा। पेट से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए तो अश्वगंधा रिच बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। इसके बाद में जो है ये आपके पाचन तंत्र में सुधार लाने का काम करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाने का काम अश्वगंधा रिच करता है। कई सारे लोगों को ठीक से भूख नहीं लगता है, तो इस सिरप को लेने से ये आपके भूख को भी बढ़ाने का काम करता है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिरप है, पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इसके बाद ये आपके ब्लड सर्कुलेशन में सुधार लाने का काम अश्वगंधा रिच करता है। ये आपके घबराहट, बेचैनी और अनिद्रा यानी इंसोम्निया, इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए भी अश्वगंधा रिच बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इसके साथ साथ कई सारे लोगों के शरीर में दर्द बना रहता है, कई सारे लोगों के घुटनों में दर्द रहता है, कई सारे लोगों के पूरे बदन में दर्द हमेशा बना रहता है, शरीर थका थका सा रहता है, थकान रहती है, तो ऐसे कंडीशन में अश्वगंधा रिच लेने से बहुत बेहतर लाभ मिलता है। एक तो आपका शरीर जो थका थका सा है वो समस्या दूर हो जाएगी, आपके शरीर में एक नई ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जेटिक महसूस होगा आपको इस सिरप को लेने के बाद, और इसके साथ साथ शरीर के दर्द दूर हो जाएंगे, घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है अश्वगंधा रिच। और इसके बाद में कई सारे लोगों को माइग्रेन का दर्द हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है, और इसके साथ साथ कई सारे लोगों को पाइल्स हो जाती है यानी बवासीर हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में भी आप अश्वगंधा रिच का उपयोग कर सकते हैं, बहुत बेहतर लाभ देखने को मिलेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अश्वगंधा रिच को कैसे पीना चाहिए। तो इसको पीने के लिए मैं आपको सही विधि बता देता हूँ। तो 10 से 20 ml अश्वगंधा रिच को 10 से 20 ml हल्का गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 3 बार सुबह, शाम, दोपहर आप ले सकते हो खाना खाने के बाद में। तो अब मैं आपको इसकी सावधानियाँ बता देता हूँ। तो सावधानियाँ में जो प्रेग्नेंट महिलाएँ हैं, गर्भवती हैं, वो इस सिरप को ना ले तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, प्रेग्नेंट महिलाएँ इस सिरप को ना ले। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।